नंबर 10 इंटू द ऑल ग्रास। ये मूवी रिलीज की गई 2019 में। ये मूवी हॉरर ड्रामा पर इस मूवी की स्टोरी में ये दिखाया गया कि एक भाई और बहन एक बड़े पत्तों के जंगल में घुस जाते हैं, जब उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज आती है और वो उनसे हेल्प मांगता है। जल्दी उन्हें पता चल जाता है कि उस जंगल में कोई सुपर नेचुरल पावर है जो उन्हें वहाँ पर कैद करना चाहती है, उन्हें बाहर नहीं निकलने देती है। अब देखना यह है कि वे दोनों वहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। और इस मूवी को IMDb पर मिला है 10 में से 5.4 की रेटिंग। For a reason. Okay! Oh my God. नंबर 9 डेलरियम। ये मूवी रिलीज की गई थी 2018 में। ये मूवी बेस्ड है हॉरर थ्रिलर पर। इस मूवी में टॉम नाम का एक बंदा दिखाया गया जो कि अभी अभी मेंटल असाइलम से रिहा होकर आता है और उसको एक हवेली विरासत में मिलती है। और जब वो उस हवेली में जाता है उसके साथ बहुत सी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होनी स्टार्ट हो जाती है और वो उन सब से कैसे बच के निकलता है, वो सब देखने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। और इस मूवी को IMDb पर मिला है 10 में से 5.7 की रेटिंग। नंबर 8 द रुइंस। ये मूवी रिलीज की गई थी 2008 में। ये मूवी बेस्ड है हॉरर थ्रिलर पर। इस मूवी में कुछ दोस्तों का ग्रुप होता है जो कि छुट्टियां मनाने एक जंगल में जाते हैं और वे जंगल में खुदाई करते हैं, कुछ ढूंढते हैं वहां पर। तब वे मुसीबत में पड़ जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि वहां पर एक शैतान का वास है। बाकी की स्टोरी देखने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। और इस मूवी को IMDb पर मिला है 10 में से 5.8 की रेटिंग। नंबर 7 द परफेक्शन। ये मूवी रिलीज की गई थी 2018 में। ये मूवी बेस्ड है थ्रिलर हॉरर पर। इस मूवी में एक सिंगर होती है जो कि अपने टैलेंट के बेस पर जल्द ही एक नई स्टार बन जाती है, बट एक दिन उसके साथ बहुत सी अजीब चीजें होनी शुरू हो जाती है। उसको पता चलता है वो कर्स है, उसे किसी ने शराब दिया है, उसके अंदर कोई सुपर नेचुरल स्पिरिट है जो उसको मारना चाहती है। और बाकी की स्टोरी देखने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। बहुत ही लाजवाब मूवी है। और इस मूवी को IMDb पर मिला है 10 में से 6.1 की रेटिंग। You know what you have to do. नंबर 6 केस 39। ये मूवी रिलीज की गई थी 2009 में। ये मूवी बेस्ड है हॉरर मिस्ट्री पर। इस मूवी में एमिली नाम की एक लड़की होती है जो कि एक सोशल वर्कर होती है और वो एक बच्ची को जिसका नाम लिली होता है उसकी हेल्प करती है, उसको उसके पेरेंट्स से बचाती है जो उसे अब्यूज करते हैं। लेकिन जल्दी एमिली को पता चल जाता है कि उस बच्ची के पीछे एक सुपर नेचुरल पावर लगी है और वो उसे मारना चाहती है। बाकी स्टोरी देखने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। बहुत ही लाजवाब मूवी है। और इस मूवी का IMDb पर मिला है 10 में से 6.2 की रेटिंग। He was killed last night. Slaughters would be a better word. नंबर 5 द रिचुअल। ये मूवी रिलीज की गई थी 2017 में। ये मूवी बेस्ड है हॉरर मिस्ट्री पर। इस मूवी में कुछ कॉलेज फ्रेंड अपने एक दोस्त की मौत के बाद इकट्ठे होकर स्कैंडिनेविया के जंगलों में घूमने जाते हैं और कुछ देर बाद वे एक गलत रास्ते पर चले जाते हैं और तभी से उनकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जब उन्हें ये पता चलता है कि कोई भटकती आत्मा उनका पीछा कर रही है और उन्हें मारना चाहती है। बाकी की स्टोरी देखने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। और इस मूवी का IMDb पर मिला है 10 में से 6.3 की रेटिंग। नंबर 4 क्रीप। ये मूवी रिलीज की गई थी 2014 में। ये मूवी बेस्ड है हॉरर ड्रामा पर। इस मूवी में एरन नाम का एक बंदा होता है जो कि एक घर देखने जाता है अपने होने वाले बच्चे के लिए, एक अजनबी के घर। और फिर कुछ दिन बाद उसको पता चलता है कि उस घर में कुछ अजीब है और वो वहां से भागने की कोशिश करता है। और इस मूवी का सेकंड पार्ट आ गया था 2017 में। और इस मूवी को IMDb पर मिला है 10 में से 6.3 की रेटिंग। नंबर 3 केस 13। ये मूवी रिलीज की गई थी 2014 में। ये मूवी बेस्ड है हॉरर मिस्ट्री पर। इस मूवी में कुछ फ्रेंड का ग्रुप होता है जिनके ग्रुप का नाम हेल गैंग होता है और वे अपने एक स्कूल मेट को चैलेंज देते हैं ताकि वो उनके गैंग में शामिल हो पाए। उसको एक पुरानी हवेली में जाने को बोलते हैं जो कि हॉन्टेड होती है और एडी उस हवेली में अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके घुस जाता है, बट वो वापस नहीं आता। अब देखना यह है कि एडी वहां से कैसे निकलेगा और उनके दोस्त उसे कैसे बचाएंगे। बाकी स्टोरी देखने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। और इस मूवी को IMDb पर मिला है 10 में से 6.3 की रेटिंग। Okay,
नंबर टू 1408 ये मूवी रिलीज की गई थी 2007 में। ये मूवी बेस्ड हॉरर थ्रिलर पर, ये एक लाजवाब मूवी है। इस मूवी में माइक नाम का एक लड़का होता है जो कि डॉल्फिन नाम के एक होटल में जाता है ठहरने के लिए, और वो वहां जाकर रूम नंबर 1408 मांगता है, बट होटल का मैनेजर उसको मना कर देता है, उस रूम में मत जाओ वो रूम हॉन्टेड है। फिर भी वो उस रूम में चला जाता है और फिर शुरू होती है मुसीबत। जब वो उस रूम में चला जाता है और उसको पता चलता है उस रूम में आत्माओं का वास है जो उसको मारना चाहती है। बाकी स्टोरी देखने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। और इस मूवी का IMDb पर मिला है 10/6.8 की रेटिंग। नंबर वन अस, ये मूवी रिलीज की गई 2019 में। ये मूवी बेस्ड है हॉरर थ्रिलर पर। इस मूवी में विल्सन नाम की एक फैमिली होती है जो कि जो छुट्टियां मनाने जाती है सेंटा क्रूज में, और एक रात उनके घर पर कोई चार बंदे अटैक कर देते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करते हैं जो कि सेम टू सेम उनकी तरह दिखते हैं। बाकी स्टोरी देखने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। बहुत ही लाजवाब मूवी है और इस मूवी को IMDb पर मिला है 10/6.9 की रेटिंग। It's us.